जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। आज के दिन इस वीडियो में हम लोग रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट में इसको रुचि इंफ्रा के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं NSE पर इसका यही कोड है। देखिए इस कंपनी के बारे में बात क्यों करना जरूरी है, क्योंकि एक तो ये स्पेसिफिक सेक्टर में काम करती है और एक छोटी कंपनी है जिसमें कमाई का बेहतर मौका मिला भी पिछले कुछ दिनों में, लोगों ने कमाया भी है और आगे भी मिल सकता है, इसलिए इसके बारे में बात होगी। और बात इसमें यह भी होगी कि जिनका पहले से इन्वेस्टमेंट है उन्हें क्या रणनीति अपनाने की जरूरत है, क्योंकि शेयर प्राइस ने एक लंबा छलांग लगाने के बाद थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो इसका जो इन्वेस्टर्स है पहले से इनका इन्वेस्टमेंट है वो घबराए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है नए लोगों के लिए भी कि प्राइस नीचे आए तो उठा लो, और जो पहले से उनको भी एवरेजिंग करने के लिए ये स्टॉक मौका दे रहा है। तो सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत शुरू से करेंगे। ठीक है, रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग काम की बात करें। देखिए इसके बहुत सारे काम हैं। सबसे पहले तो ये स्टोरेज करती है लिक्विड कमोडिटी की। लिक्विड कमोडिटी में ये ऊपर ज़्यादा है जैसे तेल वगैरह हो गया, नेचुरल नहीं कमोडिटीज़ में, यहाँ नेचुरल गैस की बात नहीं हो रही, सिर्फ लिक्विड पदार्थ की बात हो रही है, जैसे तेल वगैरह जो खाने पीने की चीज़ों में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये कंपनी वेरियस कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग करती है, यानी कि खरीद फरोख्त करती है, जाहिर सी बात है। इसके अलावा ये कंपनी साबुन वगैरह भी बनाती है। बेसिकली मानव जीवन के लिए जो चीज़ें उपयोगी है खाने पीने नहाने से संबंधित, उसमें ये कंपनी कामकाज करती हुई आपको नजर आएगी। काम के हिसाब से देखें तो कंपनी ठीक है, FMCG में इसको हम काउंट कर सकते हैं। मार्केट का देखेंगे तो तकरीबन 280 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। उसके हिसाब से यदि स्टॉक प्राइस देखें, सॉरी स्टॉक का PE देखें तो काफ़ी महंगा नज़र आता है। हालांकि हम स्टॉक का PE देख के बाई नहीं करते, हम तो खैर चार्ट पर देखते हैं, चार्ट पर कहाँ पर संकेत मिल रहा है उठाने को, हम वहाँ पर उठाते हैं। शेयर प्राइस देखेंगे तो 13 रुपये है, जो कि PE के हिसाब से तो महंगा है ही, बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा है, ये बढ़िया बात है। और इसके अलावा देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE दोनों भी पॉजिटिव में है, माइनस में नहीं है, तो ये भी काफ़ी कमाल की बात है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कुछ ना कुछ रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखती है। आपका इसमें इन्वेस्टमेंट यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो निगेटिव में नहीं जाएगा, इस बात की मतलब तसल्ली है। तो अभी तक हम लोगों ने कंपनी के काम और फंडामेंटल को समझा, अब चलिए यहाँ पर हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से यानी कि चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि कंपनी का चार्ट क्या बोलता है। तो सबसे पहले देखेंगे आप, यहाँ पे मैंने एक साल का चार्ट कंपनी का ओपन किया हुआ और एक साल के चार्ट पर आपको दिखाऊँ तो काफ़ी दिनों से स्टॉक यहाँ पर आप देखेंगे एक कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ था। और मैं हर बार कहता हूँ जैसे कि कोई भी स्टॉक जब कंसोलिडेशन रेंज में होता है तो कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी देता है कमाई का, क्योंकि 90 से 95% चांस होता है जब भी स्टॉक कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट होगा तो बहुत लंबा ऊपर जाता है। और देखिए ये प्राइस सीधे 8 रुपये से लेकर 18 रुपये तक चला गया बहुत जल्द, सितंबर मंथ की इसी साल की बात है। यहाँ पे देखिए कितना जल्दी इसका ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग हो गई, क्योंकि लोग जो 8 रुपये पर उठाए थे या काफ़ी दिनों से यहाँ पे 8 या 7 रुपये के आसपास उठा के फंसे हुए थे वो तो निकालना चाहेंगे, यहाँ पर निकले जिस वजह से प्राइस थोड़ा सा नीचे आया। हालाँकि देखिए इसके लिए ये एक सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन यहाँ तक प्राइस नहीं आया, इसके ऊपर से ही प्राइस देखिए सपोर्ट लेके फिर से प्राइस ऊपर उठ गया, और अभी तक प्राइस देखेंगे तो इसके ऊपर ही घूम रहा है इस रेंज में 12 रुपये से लेकर 14 रुपये के बीच में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं फिर से ये स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। और कंसोलिडेशन के बाद क्या होता है आपको अच्छे तरीके से पता है कि कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि फिर से यहाँ पे ये प्राइस ऊपर निकलेगा। तो आपको जो नए व्यक्ति उन्हें क्या करना है कि जैसे प्राइस 14 रुपये के ऊपर निकलते हुए दिखे आप वहाँ पर इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं यदि लेना चाहते हैं तो। बाकी यदि किसी का पहले से इन्वेस्टमेंट है तो मैं उम्मीद करता हूँ उन्होंने तो प्रॉफिट बुक किया ही होगा, नहीं किए हैं तो आधा क्वांटिटी चाहे तो बेच सकते हैं, यदि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो इसमें यहाँ पे एवरेजिंग भी आप कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से क्या करना है नए और पुराने व्यक्ति को, मैंने इसके बारे में जानकारी दे दी। अब थोड़ा सा हम क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ये पता लगता है कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो समय समय पर मजबूत हो रहा है कि नहीं। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट को भी देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले बात होगी सेल्स की, तो सेल्स देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर में यदि देखें तो सेल्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो कम ही हुआ था सितंबर क्वार्टर में, लेकिन ओवरऑल देखें तो कुछ खास कम नहीं हुआ है, कह सकते हैं कि एक पैरेलल वे में कंपनी का सेल्स चल रहा है, कभी उतार कभी चढ़ाव उसमें देखने को मिल रहा है। मेन चीज़ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे क्योंकि सेल्स कम हुआ था तो सितंबर क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट भी कम हुआ था। और ओवरऑल यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट ये होता है जो टैक्स देने के बाद कंपनी के पास बचता है, तो इसमें देखेंगे नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है कि कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है, क्योंकि नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है यानी फंडामेंटल वो मजबूत होने के ही संकेत हैं। और इसमें यदि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखेंगे प्रमोटर्स के पास 67.29% की हिस्सेदारी है, यानी कि अच्छे खासी मात्रा में इसमें प्रमोटर्स हैं, थोड़े बहुत जो भी हमारे देश के निवेशक होते हैं इंस्टीट्यूशंस के निवेशक उनकी भी हिस्सेदारी इस स्टॉक में, जिससे ये भी कंफर्मेशन मिल जाता है कि इस स्टॉक में दमखम है। बाकी पब्लिक की तो हिस्सेदारी होती है,
तो ओवरऑल यदि बात करें रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो जो काम के बिहाफ पे है इसका फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे लगता है कि इसमें तरक्की होगी, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ उसके बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।